नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के कर्मचारियों को ईडी बक्स कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान। राउरकेला स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों के लिए प्रयास का एक सत्र आयोजित। और सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के एचआरडी सेंटर में 25 जुलाई को आयोजित एक समारोह में वर्ष 2017 के लिए कर्मचारियों को ईडी वर्क्स कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके प्रधान समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी मिल्स एवं ऑक्सिलरी श्री पीके महांती एवं महाप्रबंधक एचआरडी डॉ एस दत्त सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर अनेकों महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। अतिथियों ने प्रत्येक ट्रेड की प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को योग्यता प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफियां प्रदान की। हाइड्रोलिक तकनीशियन ट्रेड में प्रथम पुरस्कार ब्लास्ट फर्नेस के वरिष्ठ तकनीशियन श्री घनश्याम महांत ने जीता। एसएमएस 1 के वरिष्ठ तकनीशियन श्री जयद्रथ महापात्र ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि ब्लास्ट फर्नेस के वरिष्ठ तकनीशियन श्री अमरेन्द्र साहू ने तृतीय पुरस्कार जीता। टर्नर ट्रेड में प्रथम पुरस्कार एसएमएस 2 के वरिष्ठ तकनीशियन श्री सरोज कुमार बेहरा ने जीता। आरएसएम के वरिष्ठ ऑपरेटिव श्री सनातन कुमार साहू द्वितीय पुरस्कार के विजेता रहे, जबकि शॉप मैकेनिकल के वरिष्ठ ऑपरेटर श्री दिलीप कुमार जीना ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। वेल्डर ट्रेड में ब्लास्ट फर्नेस के वरिष्ठ तकनीशियन श्री दिलेश्वर महांत ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया एवं प्लेट मिल के ACTTR सुश्री प्रीति लता करार ने द्वितीय पुरस्कार जीता, जबकि ऑक्सीजन प्लांट के वरिष्ठ ऑपरेटिव सह वरिष्ठ तकनीशियन श्री भक्त हरि महापात्र ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। फिटर ट्रेड में प्रथम पुरस्कार रोल शॉप के SOST श्री परमेश्वर प्रसाद ने जीता। द्वितीय पुरस्कार रोल शॉप के SOST श्री वसंत कुमार महांत ने प्राप्त किया, जबकि तृतीय पुरस्कार OBBP के ACT श्री धनंजय महतो ने जीता। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कनिष्ठ ऑपरेटिव सह तकनीशियन सह अटेंडेंट श्री सुशांत कुमार स्वाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। SMS 1 के वरिष्ठ तकनीशियन श्री अमूल्य कुमार सामंतरा द्वितीय पुरस्कार विजेता रहे, जबकि रोल शॉप इलेक्ट्रिकल के वरिष्ठ तकनीशियन श्री गंगाधर पंडा तृतीय पुरस्कार विजेता रहे। हावड़ा में आयोजित टर्नर ट्रेड के 20वें CII वर्क स्किल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता श्री सरोज कुमार बेहरा को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्यों की सहभागिता की अंतर्निहित दक्षता एवं कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास कंपनी की उन्नति के लिए मौजूदा अंतर्निहित क्षमता एवं कौशल को उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं। श्री महांती ने स्वयं को विकसित करने एवं सचेत करने हेतु इस प्रकार की गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने तथा प्लांट को प्रगति के शिखर तक ले जाने के लिए प्रत्येक से आग्रह किया। प्रारंभ में डॉ. दत्त ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया एवं प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डाला। कनिष्ठ प्रबंधक HRD श्री SK बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि HRD के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्री RC राउत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने एवं उनकी श्रेष्ठ दक्षता को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 से पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2016-17 में यह प्रतियोगिता हाइड्रोलिक टर्नर, वेल्डर, फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन जैसे 5 ट्रेडों में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 104 कर्मचारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि विभिन्न ट्रेडों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को CII वर्क स्किल प्रतियोगिता में RSP का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाता है।
पिछले वर्ष सीआईआई क्षेत्रीय वर्क स्किल प्रतियोगिता में 3 कर्मचारियों ने 3 पुरस्कार प्राप्त किए और उनमें से 2 ने हाइड्रोलिक एवं टर्नल ट्रेड के सीआईआई 28वें राष्ट्रीय वर्क स्किल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी में कार्यरत ठेका श्रमिकों के लिए मानव संसाधन विकास केंद्र में 26 जुलाई को प्रयास का 18वां सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 71 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। विचार विमर्श सत्र के दौरान सहायक महाप्रबंधक कार्मिक सीएलसी श्री टीजी कानेकर ने संभागियों को लाभों, ईएसआई एवं भविष्य निधि जैसे वैधानिक प्रावधानों पर ठेका श्रमिकों के विभिन्न शंकाओं का समाधान किया। कार्मिक सीएलसी के श्रम निरीक्षक श्री पी के परिडा ने संभागियों को अधिकारों, लाभों एवं वेतन दायित्वों तथा वेतन संरचना, बैंक भुगतान, वेतन पर्ची, ईएसआई तथा भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधाएं आदि के संबंध में संक्षिप्त में बताया। संभागियों को सुरक्षित कार्य प्रक्रिया तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कार्मिक सीएलसी की कार्यपालक सहायक सुश्री मधुमिता मिश्र ने एसए 8000 के विभिन्न प्रावधानों जैसे बाल श्रमिक, बलात् श्रम, स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य परिवेश, अधिकारों, भेदभाव, कार्य घंटे, सुरक्षा, वेतन आदि के संबंध में फिल्म, वीडियो क्लिपिंग एवं कहानियों के माध्यम से बताया। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सीएलसी श्री संजय देव एवं श्रम निरीक्षक कार्मिक सीएलसी श्री के एम महांती ने कार्यक्रम का संचालन किया। गौरतलब है कि प्रयास एक संचार कार्यक्रम है जो आरएसपी में कार्यरत ठेका श्रमिकों के कल्याण हेतु आरएसपी द्वारा प्रारंभ किया गया है, जहां उनको मानकों एवं प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 844 ठेका श्रमिकों को शामिल किया गया है और वे इससे लाभान्वित भी हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग में 10 जुलाई को आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में उप महाप्रबंधक प्रभारी सीईएस श्री अजय कुमार नायक ने सीईएस के ईएएसटी श्री बीसी नायक को जून 2017 के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक उपहार शामिल थे। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्री नायक ने प्रशासन भवन के ए ब्लॉक के ऊपर हेड टंकी से ओवरफ्लो हो रहे जल को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वाटर टैंक के इनलेट भाग का रूपांतरण करने में अधिक योगदान देकर इस ओवरफ्लो जल को रोकने के लिए फ्लोट वॉल्व को लगाया। श्री नायक हीराकुंड गेट से TNRM के बीच अपने कार्यक्षेत्र सहित प्रशासनिक भवन परिसर की भी निपुणता से निगरानी करते हैं। सीईएस के प्रबंधक श्री यू बेहरा ने सहायक प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओरैया के साथ मिलकर कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।